दुनिया भर में डायबिटीज़ की बीमारी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। भारत में भी यही हाल है। यहाँ 21% पुरुष और 17% महिलाएं डायबिटीज़ का शिकार हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 2030 तक इस बीमारी की दवा इंसुलिन कम पड़ सकती है। हाल ही में हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च में बताया गया है कि 2030 तक दुनिया भर में डायबिटीज का प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि दवा कम पड़ जाएगी। स्टडी के मुताबिक विश्व भर में डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या 40 करोड़ 56 लाख बताई गई है, जो कि 2030 तक बढ़कर 51 करोड़ 8 लाख तक हो सकती है। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनेगी इंसुलिन की कमी। आने वाले 3 साल में इंसुलिन की मांग 20% ज्यादा बढ़ जाएगी। 2010 के बाद से डायबिटीज भारत में सबसे तेजी से फैल रही बीमारी है। दुनिया भर में 49% डायबिटिक पेशेंट्स केवल भारत के हैं। भारत में 2017 में 7,20,00,000 डायबिटीज के केसेस सामने आए थे। यहाँ पिछले 9 साल में इंसुलिन की सेल में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन की एक साझा रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में डायबिटीज अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2025 तक भारत में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या 13 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारत में 21% पुरुष और 17% महिलाएं डायबिटीज का शिकार हैं। सन 1990 से 2016 तक देश में डायबिटीज 123% की दर से बढ़ी है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।